बुद्ध राजा का बेटा या किसान का बेटा? क्योंकि हमें जो बचपन से पढ़ाया और लिखाया और बताया जा रहा है, और वो जो मनमोहक तस्वीरें हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं, राजकुमार सिद्धार्थ और राजा शुद्धोधन करके जो हमें नाम बदले हुए बताए जा रहे हैं, ना तो वो राजा है ना वो राजकुमार है। जो नाम है असली वो है शुद्धोधन। कौन कहता है कि जो बुद्ध हैं वो पहले बुद्ध से पहले राजा के बेटे रहे हैं, वो किसान के बेटे रहे हैं, कस्सक के बेटे रहे हैं, खेती रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध बुद्ध होने से पहले किसान के बेटे रहे हैं। भारत किसान के प्रधान का देश है। किसान का बेटा बुद्ध बन जाए तो लोगों को जमा नहीं, झिला नहीं, और उसको जबरदस्ती राजा का और राजकुमार का बेटा घोषित करके और किसानों से दूर करने की पूरी कोशिश जिन लोगों ने की है उन लोगों को पहचानी है कि क्यों उन्होंने नाम बदले और क्यों उन्होंने किसान के बेटे को राजा का बेटा कह के एक महल की, एक राजमहल की, एक राजकुमार की संरचना खड़ी कर दी चारों तरफ, और कौन लोग हैं जो साहित्य से छेड़छाड़ कर रहे हैं। 11 साल की उम्र में जो सिद्धार्थ है, नाम क्या है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ संस्कृत नाम है क्योंकि आधार है नहीं होता पाली के अंदर, और वहां जो नाम है वो सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का मतलब है सिद्ध कर दे, यानी जो सफल कर दे, हाथ लगाते जो काम को सफल करते उसे सिद्धार्थ बोलते हैं। और पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, यानी शुद्ध ओधन। शुद्ध का मतलब होता है शय नहीं है, सह शुद्ध है, शुद्ध ओधन। शुद्ध माने बिल्कुल साफ प्योर, और ओधन माने चावल, बेसिकली पके हुए चावल भी होते हैं, कच्चे चावल के लिए बोला जाता है, तो शुद्धोधन नाम है। और भाई का नाम क्या है, अमितोदन, यानी अमित ओदन। अमित का मतलब है जो लिमिटलेस, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, ओदन माने चावल, तो चावल प्रमुख है। बेसिकली किसानों का सबसे बड़ी जो पैदावार है वहां पर चावल है, और चावल को चावल नहीं बोलते, उसको तुंडक बोलते हैं, और जो ग्रेन है, जो दाने हैं उनको बोलते हैं धान्य, दही बोलते हैं, बेसिकली दही, दही आई आई करके, आधा आई और पूरा आई, दही। तो जो दही है उसको धान्य बोला गया है या धन्य बोला गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसके पास जितने ज्यादा दही, जितने ज्यादा ग्रेन, उतना ज्यादा वो दहीवान या दहीवंतु या दहीमान या धनवान या धानवान। धान शब्द बाद में आया है, तुंडक भी बोलते हैं इसको, और भात भी बोलते हैं। भात का मतलब है, भात तो बोलते हैं, भत्त माने जो होता है चावल होता है। जो कहते ना कि मैं बहन का भत्त भरने जा रहा हूं, ये पुरानी परंपरा उस समय की बौद्धों की, या उस समय जो भगवान बुद्ध के जो वंशज थे उनकी सबकी रही है। भत्त का मतलब है चावल देने जा रहा हूं, यानी कि पुराने समय में चावल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। बहन के यहाँ कोई फंक्शन है तो फंक्शन होना है, वहां चावल की खपत ज्यादा है। भाई के घर में, खेतों में ज्यादा धान हुआ है, वहां जरूरत है, तो वो भत्त देने जा रहा है, धान देने जा रहा है, धन्य देने जा रहा है, दही देने जा रहा है, चावल देने जा रहा है, तुंडक देने जा रहा है, ओदन देने जा रहा है, तो उसको भात भरना बाद में बोला गया। ये भात की, ये भत्त की पूरी कहानी रही। तो यहां जो शुद्धोधन है, यानी या अमितोधन है, उनके नाम के पीछे चावल लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, खेत में काम चल रहा है। शुद्धोधन का जो पूरा परिवार है बहुत मेहनती परिवार रहा है। उन्होंने पहाड़ तोड़ तोड़ के और जंगल हटा हटा के बहुत सारे खेत बनाए हैं। पहले खेत ऐसे ही बनते थे क्योंकि लिखत पढ़त तो होती नहीं थी, और प्रकृति ने खेत अपने आप तैयार करके नहीं दिए हैं, लोगों ने हाड़ तोड़ मेहनत की है। भारत के जो समण लोग हैं उन्होंने पत्थर हटाए हैं, जंगल हटाए हैं, तब ये खेत समतल किए हैं। एक एक खेत को समतल करने में हजारों हजारों आदमियों की मेहनत है। तो उन्होंने खेत तोड़े, खेत बनाए, पत्थर हटाए, उसमें वो धान बोते हैं। तो जब धन्य बोते हैं, धान बोते हैं या भत्त बोते हैं, तो उसका एक मेला भी आता है पूरा पूरा, वप मंगल उत्सव करके उसको बोलते हैं। तो वप मंगल उत्सव में जो बीज बोने का उत्सव है, वहां धान बोया जा रहा है, और सिद्धार्थ गौतम एक जामुन के पेड़ के नीचे, जम्बू के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और खेत में काम चल रहा है। 11 साल की उम्र है, वो खेत में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि खाली बैठे तो रहेंगे नहीं, खेत में भी जाएंगे, खेत खलिहान में घूमते रहते हैं 11 साल के बच्चे। वो जम्बू के एक पेड़ के नीचे जाके ध्यान लगाते हैं, और उनका पहला ध्यान है जो लग जाता है, नेचर है उनकी, क्योंकि ध्यान में उनका मन है पहले से ही है, शरीर उनका उसी प्रकार से है, मन उसी प्रकार से है, तो ध्यान में वो चले जाते हैं। तो खेत में काम कर रहे हैं, तो खेत में काम करने वाला जिसका फादर, जिसका पिता, जिसका
जो वंशज है जो खेत में काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? खेतिया बोलेंगे, किसान बोलेंगे। तो वो किसान का और खेतिया का बेटा है, यानी कि पिता किसान है तो वो खेतिया का है। कहीं कोई राजघराना नहीं है, कहीं कोई राजकुमार नहीं है, कहीं कोई राजकुमारियां नहीं है, ना ही कहीं कोई ऐसा कुछ बताया गया है। तो खेतिया को बाद में संस्कृत भाषा में क्षेत्रिय बोलते हैं, तो क्षेत्रिय हो गया। खेत को क्षेत्र बोलते हैं तो क्षेत्र हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रिय को क्षेत्र बोलने लगे तो उनको क्षत्रिय कहने लगे। तो क्षत्रिय और खत्रिय और किसान तीनों एक ही बात है। अब अगर एक मिनट को ये मान भी लें कि वो राजा के बेटे रहे हैं, राजकुमार रहे हैं, गाड़ीवान रहे हैं, बड़ा दरबार रहा है, तो वो दरबार है कहाँ? वो राजा के जो जो सिंहनु, जो उनके पिता का नाम था, सिंहनु माने होता है शेर जैसी ठोड़ी वाला, हनु माने ठोड़ी होता है, हनु से बाद में हनुमंतु बना है, यानी शेर जैसी ठोड़ी वाला सी हनुमंतु। तो जो सी हनुमंतु उनके पिता का नाम है, तो शेर जैसी उनकी ठोड़ी है, तो उन पिता के दो पुत्र हैं, अमितोदन है और शुद्धोदन है। तो दोनों में राज कैसे बटा, और राज बटा तो चला कैसे, और उसके बाद उनके दो पुत्र हैं और सिद्धार्थ गौतम एक पुत्र है, तो वो राज आपस में कैसे बट रहा है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि राज होगा तो जिक्र होगा ना, उनका राजकाज कैसे चलता था, कैसे उनकी प्रजा करती थी, कहीं कोई जिक्र तो होगा। इतना बड़ा साहित्य बुद्ध का है, कहीं दो लाइन तो होगी कि राजा का जो शुद्धोदन का राज था वो ऐसा था, अमितोदन का राज ऐसा था, उसके बाद में उनको ट्रांसफर हुआ राज, उनको मिला, कोई राजगद्दी तो होगी, कुछ मुद्रा होगी, कुछ आदेश होंगे, कुछ क्रियाकलाप होगा, कुछ राजकाज होगा, कुछ चर्चा होगी, कुछ बंटवारा होगा, कुछ झगड़ा होगा, कुछ राज में आसपास कहीं कोई दुश्मन होंगे, कहीं कोई एक क्लू तो मिलता। यहाँ तो नील बटा सन्नाटा है, जीरो बटा जीरो है, राजकाज की कहीं पूरे साहित्य में कोई चर्चा नहीं है। तो जबरदस्ती राज बना दिया, जबरदस्ती राजकुमार बना दिया। आप किसान के बेटे को राजकुमार क्यों बनाना चाहते हैं, आप इसके पीछे समझिए बात को। एक अगर गरीब आदमी का बेटा अगर आईएएस बन जाए, तो आईएएस बनते ही उसके पास में प्रशासनिक ताकत आ जाती है, शासन में निर्णय लेने की, एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन लेने की पावर आ जाती है। तो वो पावर आने की वजह से, क्योंकि सिस्टम में उनको बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो सारे लोग उसको अपना दामाद बनाना चाहते हैं, गरीब के लड़के को। जब तक वो गरीब है तब तक नहीं, मगर जब वो आईएएस बन गया है तब उसको दामाद बनाते हैं। तो उसको बड़ा पैसा देते हैं शादी में, बड़ी गिफ्ट देते हैं करोड़ों रुपए की, और सब अपनी लड़की से शादी करना चाहते हैं। ना उस समय कास्ट है और ना उस समय वर्ण व्यवस्था है, कोई वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो गई, कास्ट भी खत्म हो गई, छोटा बड़ा भी खत्म हो गई, उम्र ज़्यादा है तो भी कोई बात नहीं, काला पीला है तो भी कोई बात नहीं, शादी हो जाए। क्योंकि शादी आईएएस से हो रही है, शादी लड़के से नहीं हो रही है, तो शादी कर देते हैं। शादी करने से क्या होता है कि उस परिवार का चारों तरफ एक कॉकस बन जाता है, घेरा बन जाता है, और वो जो आईएएस है वो उसमें पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। फिर वो उसको अपनी कल्चर में ढालते हैं, उसको आते लगाते हैं, उसको घुमाते हैं, बड़ी बड़ी जगह दिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ों का उसको भोग कराते हैं, और वो उनका आदी हो जाता है। और कोई उसके गाँव का या उसका रिश्तेदार अगर कोई मदद करने आता है तो उसको फिर वो हे दृष्टि दिखाते हैं, कह रहे ये तो निकम्मे लोग हैं, देखो तुमने मेहनत की तुम तो आईएएस बन गए, ये निकम्मे लोग हैं, इन्होंने मेहनत नहीं की इसलिए ये बने नहीं, तो ये इसी काबिल हैं, इनको ऐसे रहने दो। देखो तुम्हारी तो बात अलग है, तुम तो देखो बहुत बुद्धिमान लोग, तुम तो आईएएस बन गए, तुमने तो काबिल है ना, तो काबिल आदमी की इज्जत होती है। देखो ये जो गाँव के तुम्हारे रिश्तेदार हैं ये तुम्हारे लायक नहीं है, अब तुम्हारा स्टेटस कहाँ है, तुम जहाज में उड़ते हो, कार में चलते हो, नौकर चाकर तुम्हारे घर में आसपास हैं। ऐसा कर उसको उसके गाँव से और उसके पूरे मोहल्ले से, कुनवे से, जहाँ उसको मदद करनी चाहिए, जहाँ से वो आया है, जहाँ से वो पला बड़ा है, वो कुछ नहीं कर पाता और वो उनका हो जाता है। और फिर उसके बच्चे भी गाँव में वापस नहीं जा पाते, उसके बच्चे भी जहाँ उसकी शादी होती है उसी हिसाब से उसको ढाल लेते हैं, बच्चों में अलग तरह का व्यवहार आ जाता है, और उसकी संपत्ति, उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा और उसका पोस्ट, जो पोस्ट बाबा साहब की बदौलत मिली है, वो सारा का सारा समाज के काम ना आके वो इंडिविजुअल व्यक्तित्व के काम आ जाता है, और वो आईएएस समाज के लिए जीरो हो जाता है, जिसका सपना बाबा साहब ने देखा। यही वो बात है जिससे जो किसान का बेटा बुद्ध है उसको राजा का बेटा बनाया गया। क्योंकि राजा का बेटा बनेगा तो उसको राजघराने की तरह ट्रीट करेंगे दिमाग में, लोग दिमाग में ये रहेगा वो तो राजकुमार है, राजा है, तो उसको फिर अपने से नहीं जोड़ पाएंगे। किसान जो लोग हैं वो अपने से नहीं जोड़ पाएंगे, उसको जो राजा लोग हैं वो अपने से जोड़ेंगे, और जब अपने से जोड़ेंगे तो फिर राज जैसा व्यवहार होगा, फिर वो कट जाएगा। लोगों के दिमाग में ये बात रहेगी तो बहुत ऊंची हस्ती है, हमारे तो किसी काम की नहीं है। मगर अगर किसान को ये पता चले कि जो बुद्ध हैं वो किसान ही हैं, और किसान के बिल्कुल भाई हैं, किसान के लड़के हैं, किसान के पुत्र हैं, और किसान ने इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो पूरी दुनिया के किसानों को फक्र होगा, और पूरी दुनिया को किसान ही चलाते हैं, तो उनसे स्टेटस छीना गया है। आप सोचिए भला कि उस जमाने में कहाँ कोई व्यक्ति को ये कहा गया कि ये जो सामने जा रहा है आज मुझे नगर घूमना है,
और नगर घूमने के बाद में उसने एक बूढ़ा देखा, उसने एक बीमार देखा, उसने एक मृत्यु पे सैया पे जाते हुए, चिता पे जाते हुए डेड बॉडी देखी और वो पूछता है कि ये क्या है। उसका जो सारथी है, जो चला रहा है, वो कहता है जी कि ये वृद्ध है, ये बीमार है और ये सबको आना है। तो उसका दिमाग घूम जाता है भाई, 11 साल की उम्र में तो वो अपने खेत में काम कर रहा है, तो क्या आंख बंद करके काम कर रहा है? क्या उसने आंख पे पट्टी लगा रखी है? क्या उस जमाने में काले चश्मे थे कि चश्मा लगा के वो मेडिटेशन कर रहा है? भाई जब वो कर रहा है तो उसको पता नहीं है कि व्यवहार कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। क्या उसका पिता बूढ़ा नहीं हुआ, या जो उसका चाचा था या उसका दादा था बूढ़ा नहीं हुआ, या उसकी जो घर में महिला रही है वो बूढ़ी नहीं हुई? क्या 24 घंटे बांध के रखते थे आंखों पे पट्टी लगा के और चश्मा लगा काला के, तुझे बाहर का नहीं देखना है, पहली बार बाहर का जाएगा तभी देखेगा? तो कुछ तो सोचो भाई, थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक गांव है, एक कबीला है, एक कपिल वस्तु है, उसमें सब लोग मिलना जुलना है। किसी घर बच्चा पैदा होता है तो खूब थालियां बढ़ती हैं, खूब खाना होता है, खूब दावत होती है। बच्चा आँख खोलता है तो सबसे पहले आसपास के माहौल को देखता है, बच्चा रुकता कहाँ है अपने घर में। और सिद्धार्थ जैसा बच्चा जो इतना गंभीर रहा है शुरू से, जो 11 साल की उम्र में मेडिटेशन के लिए, विपसना के लिए, साधना के लिए बैठ जाता हो, वो कैसे नहीं जानेगा दुनिया को? अभी तो दुनिया को बहुत कुछ खोजना है। शुरू से जिज्ञासा होगी, शुरू से जिज्ञासु होगा, शुरू से प्रश्न पूछेगा, तभी तो आगे खोज करेगा। बच्चों की तो कहते ना कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। जब वो असित ऋषि आए थे, असित इसी, असित माने काला होता है, जब वो काला इसी काला जानकर आया था, जो डॉक्टर था एक तरह से, और जो बच्चे के सारे शरीर को अवलोकन करके, उसका परीक्षण करके, निरीक्षण करके, इन्वेस्टिगेशन करके कहता है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और ये स्वस्थ बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके लक्षण सारे के सारे स्वस्थ के मानकों पर पूरे उतरे हैं। तो बच्चा वो रुकेगा कहाँ? वो तो चलेगा, वो तो दुनिया देखेगा, क्योंकि दुनिया देखने के लिए तो उसमें लक्षण है सारे के सारे। इसलिए कुछ बातें, क्योंकि आप धम्म को फॉलो कर रहे हैं, धम्म को देख रहे हैं, तो पुरानी बातें जिन्होंने बनाई हैं अपने हिसाब से बनाई हैं। आप पूरे परिदृश्य को सोच के समझ के देखिए कि क्या बताया गया और क्या हो सकता है और क्या नहीं है, और किताबों में जो लिखा हुआ है वो कितना ठीक है और कितना काल्पनिक है। कल्पनाएं सब जगह जोड़ी जाती हैं, लोग लिखते समय अपनी बातें उसमें जोड़ देते हैं, उसको देखना समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने तो दुनिया की आँख खोली है, बुद्ध ने तो सारी दुनिया में, कितने दुनिया के लोग मानने वाले बुद्ध को, जो किसी को नहीं मानता वो बुद्ध की फिलॉसफी को मानता है, वो सबकी आँख खोलने वाला है। वो दुनिया नहीं देखेगा, कितना बड़ा मजाक है, कितनी बड़ी बात है, वो तो सबसे पहले देखेगा। तो इसलिए इस मिथक को दिमाग से निकाल दीजिए कि बुद्ध राजा के बेटे रहे हैं या राजकुमार रहे हैं या उनका कोई दरबार रहा है, ये सब बेकार है। जैसे वो देवदत्त की जो कहानी है वो बिल्कुल झूठी है, कि वो बीच में ऐसा हो सकता है कि हंस का उड़ा हो, उसने मारा हो, आया हो और हंस बचाने वाले पास जाएगा, ये नेचुरल है, मगर कोई राज दरबार नहीं है, कोई ऐसा दरबार नहीं है कि जहाँ शहंशाह बैठे हुए हैं, आलम बैठे हुए हैं और वहाँ सजा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।